मीडिया को काम तो जरूर इम्पार्शियल होना चाहिए। ये जो मीडिया ये सब जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है। मीडिया का काम है सही खबर दो और सही ढंग से दो, किसी को मलाइन मत करो, झूठ फूट के मलाइन मत करो। सौ चूहा वाला कहानी जो किया वो खुद हमको बोला कि नहीं दादा आपसे हम मुलाकात करेंगे, अभी हमको सबका सामने खराब करने का दिखाने का लिए बोला कि सौ चूहा में एक चूहा कम से कम, एक चूहा मतलब गंदगी के काम, एक चूहा बता दो यही काम आपको हुआ। बोलने वाला अभी अफसोस कर रहा है क्यों इनके बारे में बोला। हमको डायरेक्ट हमको किया कि आपका साथ देखा करेंगे आएंगे, हम तो किसी से दुश्मनी लेने के लिए नहीं आए ना, हमारा काम पब्लिक का काम करना। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सेक्युलर इंडिया न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि पिछले 10 दिनों से इंटाली थाने के अंतर्गत बीबी बगान के निवासी शेख साहबुद्दीन का मामला जो चलता हुआ आया है, जो आप सभी हमारे न्यूज़ के माध्यम से देखते हुए आए हैं। इसी बीच विधायक स्वर्ण कमल साहा ने अस्पताल का दौरा किया। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश भी देखा गया है। खास तौर पर इस मामले के मुख्य आरोपी यानी कि मोहम्मद इकबाल को अब तक अरेस्ट नहीं किए जाने पर स्थानीय लोग बहुत ही गुस्से में हैं और ऐसे में कल विधायक स्वर्ण कमल साहा ने एक पब्लिक मीटिंग भी बुलाई जिसमें उन्होंने अपने दिए गए गलत स्टेटमेंट पर माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे अंधेरे में नहीं देखा गया कि वो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं या अपने लोग हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया है कि शेख साहबुद्दीन के इलाज का जो भी खर्च होगा वो खुद उठाएंगे या फिर मेयर्स फंड से करवाएंगे और आरोपी यानी कि मोहम्मद इकबाल और उसके साथियों को पकड़ने के लिए डीसी ऑफिस में जाकर कंप्लेंट भी दर्ज करवाएंगे। इसके साथ ही स्वर्ण कमल साहा ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी कहा है कि कुछ मीडिया तृणमूल कांग्रेस की छवि को ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनको बदनाम किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि स्वर्ण कमल साहा ने इस विषय पर क्या कहा। गुंडागर्दी हमारा इधर हो नहीं सकेगा, यह वादा आपको कर दिया, आप आगे बढ़िए, आप डरिए मत, डरने से कोई गुंडागर्दी और बढ़ेगा, उसको रोकने के लिए आपको हिम्मत जाहिर करना चाहिए, इसके खिलाफ बोलना चाहिए। अब भूल हो गया, सॉरी आपको माफ कर दिया, वो बात हमारा नहीं जिक्र करते, मगर ये बात आज यही मंच से आपके पास एक वादा करके जा रहा है, कोई भी कोई काम में कहीं भी गुंडागर्दी देखा हमको बोलिए, उसका मुकाबला कीजिए, कुछ प्रॉब्लम होगा हम देखेंगे। और ये साहबुद्दीन को जो मारा है, साहबुद्दीन को जो पिटाया है, उसका खिलाफ पुलिस का कार्रवाई कड़ा से कड़ा करेंगे हम, भले डीसी सीपी किसी का पास भी जाने पड़े हम जाने के लिए तैयार है। अगर जो अरेस्ट हुआ हम उसी को फोन करने का, वो दो अरेस्ट हुआ वो खर्चा का जिम्मा आपका सामने बोल रहा, उसका खर्चा का जिम्मा हम ले रहे हैं। हमारा मेयर सीएल हकीम है, बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा सुनिए, हमारा सीएल हकीम बहुत अच्छा आदमी है, उसका एक फंड होता है रिलीफ फंड, हम पूछेंगे अगर उससे हुआ तो हम कहेंगे नहीं तो हम है आपका सर है, हम नूर भाई को सामने में हम बोल रहा, आप हमारे साथ मिलिए, हम आपका जो भाई के लिए खर्चा हो रहा हम उसका अरेंजमेंट हम कर देंगे। देखो हम आज उधर जाके बहुत खुश हुआ, इसलिए कि बीबी बगान का कोई घर खाली, घर में कोई नहीं था, पूरा खाली होके हमारा ये मीटिंग में आया है और हम जो बात बताया वो लोग सब खुशी था। हम पूछा भी ये लोग से, सब एकदम ये बड़ा आवाज़ करके हमको सुनाया कि ना अपने साथ अच्छी हमारा अच्छी, ये भूल भाल के बुझी दीजिए, हवे नहीं उठा, गुंडागर्दी को हमको रोकना है, आप लोग हिम्मत लगा के रहिए, हिम्मत मत तोड़िए, ये बात हम कह के आया। पब्लिक उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, हमको अच्छा लगा। आज पब्लिक का अगर अंदर कोई हमारे बारे में कोई गलत कमी है वो शायद दूर हो गया, हमको लगा ऐसा। हम तो भाई गंदगी के साथ कभी नहीं चलते हैं, गंदा कम किया अगर वो महसूस करे कि गलती किया तो ठीक है, अगर महसूस ना करे तो उसका गंदगी उसी में सटेगा, हम पर ही नहीं आएगा। हमारा बहुत लंबा दिन का दो अरेस्ट हुआ, मगर कुछ भी है, पुलिस का प्रेशर से ही हुआ ना, सरेंडर भी हो तो अरेस्ट हुआ ना, सरेंडर करने से क्या अरेस्ट नहीं दिखाएगा, उसको ढूंढने निकालने पड़ेगा, पुलिस को निकालने पड़ेगा, कहाँ रहता कहाँ है सब पता चल जाएगा पुलिस को, ऊपर का चाप पड़ेगा। हम भी जाएंगे कल, हमारा प्रोग्राम है विधानसभा से मुर्शिदाबाद जाने का,
तो 15 तारीख को वापस आएंगे। 15 तारीख के बाद ही आप लोग से मिल सकेंगे, कोई भी कार्रवाई करने के लिए 15 तारीख के बाद ही हमसे होगा। अभी तक है हमको नहीं लगा, विभागन का आदमी इतना बुद्धू नहीं है कि नहीं समझ गया। एक लोग साजिश चला हमारे घर में आके, उसका फैमिली वाला एक सोच लेके आया था और संग में आने वाला दूसरा सोच लेके काम किया हुई थी। ये वो लोग को भी पता है, हमको भी पता चल गया। देखिए भाई, हम राजनीति में है, हमारा पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, इंसान का साथ जुड़ा हुआ पार्टी है, हम लोग ये सब फेस करने जानता है। ये लोग अगर कोई इम्पोर्टेंस देंगे तो हम बोका बनेंगे। क्या इम्पोर्टेंस है, इस गंदा काम करने वाला से हमारा क्या है? हम तो गंदा काम कभी किया नहीं, हमारा पब्लिक हमसे बहुत खुश है, नहीं तो इतना मार्जिन से हमको जीता था, 59,000 वोट से हमको जिताया इस बार। तो बोला कि 100 चुहा में एक चुहा, कम से कम एक चुहा मतलब गंदगी के काम, एक चुहा बता दे यही काम आपका हुआ। बोलने वाला अभी अफसोस कर रहा है क्यों इनके बारे में बोला, हमको डायरेक्ट हमको किया कि आपका साथ देखा करेंगे आएंगे। ठीक है, कोई अगर अपना गलती महसूस करके हमारे पास आया तो ठीक है, हम तो किसी से दुश्मनी लेने के लिए नहीं आए ना, हमारा काम पब्लिक का काम करना, वो कर रहा है पब्लिक खुश है, ये हमारे लिए। मीडिया को काम तो जरूर इम्पार्शियल होना चाहिए। ये जो मीडिया ये सब जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है। मीडिया का काम है सही खबर दो और सही ढंग से दो, किसी को मलाइन मत करो, झूठ मूठ का मलाइन मत करो। सौ चुहा वाला कहानी जो किया वो खुद हमको बोला कि नहीं दादा आपसे हम मुलाकात करेंगे, अभी हमको सबका सामने खराब करने का दिखाने के लिए सबका। हमारा मांग है इंसाफ हमको मिले, सबसे पहला जब हमको इंसाफ मिले, जो ये गुंडागर्दी यहाँ चल रहा है मोहल्ला में, ये गुंडागर्दी खत्म हो जाए। भाई का ऊपर में जो अटैक हुआ मेरा, उसका ऊपर में इसको ख़त्म करना है, उसको सजा दिलाने का मेन मेरा मकसद है। शेख इकबाल है, उसके बाद इखलाक है, उसके बाद आपका फहीम है, मुन्ना ये है, बच्चू है जिसका उर्फ रफीक नाम है, नसीम है, उसके बाद आपका राजा है, सोनू है और मुमताज़ है। अब तो जो एमएलए साहब ने हमको बताया और बॉबी साहब ने जो आके ये किए हैं, जो इसके लिए हमको थोड़ा ये हो रहा है, जो इन लोग बात को आगे ले आके, हाँ डीसी जितना है सीपी है, इन लोग के पास जाके उन लोग डिप्लोमा एक्सपेडिशन जमा देंगे। देखिए जो जुल्म हुआ है वो पार्टी करेगी, क्योंकि वो पार्टी वर्कर था, 100 डेज में है, मेयर का एक फंड आता है उसमें है, और जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ में उसको अरेस्ट होना चाहिए। देखिए जो बात हम कल गए थे साहबुद्दीन भाई को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाने के बाद जो समझ में आया, ये उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है और वो जुल्म को ख़त्म करने के लिए एमएलए साहब यहाँ मीटिंग रखे थे, उसमें हमने भी कहा था कि हम भी आएंगे और इनका ये मामला को जो है सॉर्ट आउट करेंगे। पांच आदमी का कमेटी बनाकर डेपुटेशन देकर डीसी ऑफिस में हम भी जाएंगे, सन्नोदा भी जाएंगे, संदीपन साहा है और यहाँ वार्ड के काउंसलर है स्वपन समझदार, उनको भी बोला जाएगा, वो भी चलेंगे, जाकर ये डेपुटेशन दिया जाएगा। जो इस तरह का काम किया, जो जुल्म हुआ है, उस पर हम लोग गौर फिक्र करेंगे।